बढ़ते हैं आगे और दमोह की बात कर लेते हैं। दमोह में जो मामला सामने आया था उसके बाद अब सरकार जागी है और एक्शन में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामला जो आया था धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, इस मामले में अब जांच के आदेश दिए और न केवल इस स्कूल की जांच होगी बल्कि साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं इन सब की जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा को भी देखा जाएगा, जहां गलत तरीके से शिक्षा दी जा रही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। दमोह की जो घटना है इसकी राज्य सरकार को रिपोर्ट मिल गई है, इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। बच्चियों से दिलाए गए बयान में दबाव की बात भी सामने आई है। पूरे मामले में सरकार FIR दर्ज कराने वाली है। अब सरकार जागी है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सीएम शिवराज का तंज, कहा अब नेता कौन है समझ नहीं आता, कोई कहते हैं भावी, कोई कहते हैं अवश्य भावी। भिंड में नहाने के दौरान दो युवक चंबल नदी में डूबे, युवकों की तलाश में जुटी SCRF की टीम। फूप थाना इलाके के कढ़ा घाट का मामला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक्शन में शिवराज सरकार, पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की होगी पड़ताल, मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा की भी होगी जांच। मंदसौर गोलीकांड पर हो रही सियासत पर बोले सीएम शिवराज, जब चुनाव आता है तभी कमलनाथ को मंदसौर याद आता है, कांग्रेस मौतों पर सेंकती है राजनीतिक रोटियां। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, बच्चियों को अलग ड्रेस पहनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर हिंदुवादी संगठनों के गंभीर आरोप, स्कूल पर जाकिर नायक से प्रेरित होने का आरोप, छात्र छात्राओं के परिजन फीस लेने पहुंचे स्कूल। बालाघाट को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 208 करोड़ की लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, पारंपरिक बैगा नृत्य में सीएम का दिखा अलग रंग। कमलनाथ को सीएम उम्मीदवार बताने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बीते 20 सालों से जनता ने शिवराज जी को चुना, जनता के मतों में कांग्रेस हमसे 30 साल पीछे। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए।